एक बार आग लग जाती है तो उसे बुझाना बहुत मुश्किल होता है। यही हम बीजेपी के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार आपने देश में आग लगा दी, उसको बुझाना बहुत मुश्किल होता है। और आज बीजेपी के लोग पूरे देश में आग और हिंसा को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको रोकने के लिए पूरे देश में सिर्फ एक शक्ति है, वो है कांग्रेस पार्टी का प्यारा कार्यकर्ता और नेता। वो तोड़ते हैं हम जोड़ते हैं, वो आग लगाते हैं हम बुझाते हैं, वो गुस्सा करते हैं हम प्यार करते हैं। ये फर्क है हम में और उनमें। और मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और नेताओं को आज आश्वासन देना चाहता हूं, आप सब मेरे परिवार और आप सब, चाहे आप युवा हो, बुजुर्ग हो, कहीं के भी हो, आप सब मेरे हो, और मैं आप सबको अपना पूरा प्यार, दिल से पूरा प्यार दूंगा। देश के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, देश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि ये दुनिया, ये हिंदुस्तान की, जैसे द्विवेदी जी ने कहा, ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, मगर आने वाले समय में हम इसे हिंदुस्तान की ग्रैंड ओल्ड एंड यंग पार्टी बनाने जा रहे हैं। और मैं आपको, सब युवाओं को, चाहे आप कोई भी हो, मैं आपको एक इनविटेशन देता हूं, आप आइए, एक प्यार का, भाईचारा का हिंदुस्तान हम एक साथ बनाएंगे। क्रोध की, गुस्से की राजनीति से हम लड़ेंगे और उनको हराएंगे। मगर मेरे लिए कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो इस पार्टी की विचारधारा को अपने खून पसीने से देश के हर गांव, हर शहर में पहुंचाता है, उसकी रक्षा करना, संगठन में उसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आने वाली कांग्रेस पार्टी में आपकी आवाज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई देगी, और उसको हम सुनेंगे।